दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने दिया शानदार तोहफा, किसानों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। योगी कैबिनेट ने लोकसभा चुनाव के पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट में गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का प्रस्ताव पास हुआ है। अब गन्ने का मूल्य 370 रुपए प्रति क्विंटल होगा, यानी किसानों से गन्ना अब 370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। पिछले 6 वर्षों में अब तक 55 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल वर्तमान सत्र में किसानों का 86% गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर राजनीति और धर्म को लेकर। मनोज झा ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में नहीं है। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने धर्म और राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनोज झा ने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में नहीं है। जिस व्यक्ति को गोली लगी लेकिन फिर भी वे हे राम कहते हुए दुनिया से विदा हुए, उन्होंने कभी राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं किया। मनोज झा ने कहा कि महात्मा गांधी जानते थे कि राजनीति में धार्मिकता धर्मांधता में तब्दील हो जाती है। आज इस देश में कई महीनों से रोजगार पर बात नहीं हो रही। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी रोजगार के वादे पर आए थे, राम मंदिर पर नहीं। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि वे असफल हुए हैं, तभी उन्होंने इससे अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश की है। अगली बड़ी खबर, असम पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा, तो कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कांग्रेस नेता ने दिया धरना। राहुल गांधी से पूछा कि मुझे कब मिलेगा न्याय। दरअसल पूर्व यूथ कांग्रेस नेता अंकिता दत्ता ने राहुल गांधी से न्याय दिलाने की मांग की है। अंकिता ने यूथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है, अब उन्हें राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो उन्हें न्याय दिलवाएंगे। अंकिता असम के शिवसागर जिले के अमगुरी कस्बे में अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को असम में दाखिल हो गई है। ऐसे में अंकिता का कहना है कि अब इस न्याय यात्रा के साथ उन्हें भी न्याय मिल जाना चाहिए। कांग्रेस ने अंकिता को पहले ही पार्टी से निकाल दिया है। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि मैंने एक उत्पीड़क के खिलाफ न्याय मांगा था। अब राहुल गांधी जी असम आए हैं, मुझे विश्वास है कि वो मुझे और न्याय यात्रा में शामिल महिलाओं को न्याय देंगे। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने कांग्रेस से न्याय मांगा था, हालांकि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में नहीं रहते हुए भी मैं पिछले 10 महीने से कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रही हूं। लोग मेरे साथ आए हैं और राहुल गांधी की यात्रा अमगुरी से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे न्याय देंगे, मेरा 10 महीने का वनवास भी आज खत्म हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, मिशन 2024 के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के 300 नेताओं को सौंप दिया बड़ा टास्क। नीतीश कुमार के वापस एनडीए गठबंधन में शामिल होने को लेकर भी दे दी हरी झंडी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी संगठन और कैंपेन को मजबूत करने के साथ ही विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस को कमजोर करने पर भी फोकस कर रही है। पार्टी ने इसके लिए कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करने की बड़ी तैयारी की है। बीजेपी इसके अलावा एनडीए छोड़कर गए दलों का कमबैक कराने पर भी सोच विचार कर रही है। चुनावों के पहले इस खास काम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के लगभग 300 नेताओं को एक स्पेशल टास्क सौंपा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक भाजपा नेतृत्व तो पहले ही एक उच्च स्तरीय पैनल गठित कर चुका है जिसे ज्वाइनिंग कमेटी कहा जाता है, और इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और सचिव बीएल संतोष शामिल हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की चुनाव प्रचार राजनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए मंगलवार को हुई एक अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दोबारा से जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। 300 से ज्यादा नेताओं को संसदीय क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि भाजपा एनडीए से गए पुराने सहयोगियों को भी फिर से शामिल करने को तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ में चल रही कथित तकरार के बाद चर्चा है कि वो फिर से बीजेपी के साथ में जा सकते हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी अखबार राजस्थान पत्रिका को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार और बाकी पुराने सहयोगियों के वापस लौटने के सवाल को लेकर कहा कि जोड़ तोड़ से राजनीति में बात नहीं होती, लेकिन किसी का अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा। चूंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अब भी प्रधानमंत्री फेस के रूप में राहुल गांधी का नाम सबसे आगे आता है, ऐसे में बीजेपी का ज्यादा जोर गांधी की टीम को तोड़कर उन्हें कमजोर करने पर है। आपको
आपको बता दें कि पार्टी इस लक्ष्य में कामयाब होती भी दिख रही है। कभी राहुल गांधी की टीम के हिस्सा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद और आरपीएन सिंह सरीखे नेता अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा को भी बीजेपी ने शामिल करने की कोशिश की, पर वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास चले गए। भाजपा की नजर अब भी कई ऐसे युवा नेताओं पर है जो राहुल गांधी के खास हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे बड़े नेताओं को बीजेपी में लाने के लिए उनसे संपर्क कर रही है जो गांधी परिवार के करीबी हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी है। अगली बड़ी खबर, ईडी के समन पर चौथी बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने दिया जवाब, कहा केजरीवाल आरोपी नहीं फिर क्यों भेजा जा रहा समन। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने उन्हें चौथी बार इस केस में पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि पिछले तीन बार की तरह ही इस बार भी अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर के बजाय मुख्यमंत्री केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक्सीलेंस एंड एजुकेशन अवार्ड के कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि इस बात की पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय को एक चिट्ठी भेजी है। इसमें ईडी के बार बार समन भेजने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए समन भेजा जा रहा है। बीजेपी का मकसद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ने कहा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार उन्हें समन क्यों भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, टी राजा सिंह की रैलियों पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ इनकार, बोले डीएम और एसपी ये सुनिश्चित करें कि ना हो कोई भी हेट स्पीच। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और तेलंगाना की गोसा महल विधानसभा सीट से विधायक टी राजा सिंह की 19 से 25 जनवरी के बीच में रामपुर में होने वाली रैलियों पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने रायपुर के डीएम और एसपी से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि हिंदू जनजागृति समिति रैली में कोई नफरती भाषण ना दिया जाए। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने रैली पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हेट स्पीच का जो भी आरोप है उसमें संबंधित पक्ष कोर्ट के सामने नहीं है, लेकिन हम एसपी और डीएम को निर्देश देते हैं कि वो अधिकार क्षेत्र में हेट स्पीच ना होने दें। दोनों ये सुनिश्चित करें रैली वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जिनमें इवेंट की रिकॉर्डिंग होगी, और अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सकेगी। अगली बड़ी खबर, राम में हुई पूरी अयोध्या, हर दुकान हर मकान गूंज रहा केवल जय श्री राम। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच पूरी अयोध्या राम में नजर आ रही है। अयोध्या की हर दुकान हर मकान हर सड़क हर रास्ते पर सिर्फ जय श्री राम की आध्यात्मिक अनुभूति महसूस की जा रही है। विरासत और आधुनिकता का समावेश बैठाती नव्य अयोध्या इस वक्त श्रद्धालुओं को दिख रही है। अयोध्या में राम पथ की दुकानों पर फहर रही राम पताका अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सरयू के घाटों पर श्री राम की स्तुतियां भजन और मंदिर निर्माण के लिए हुए अथक संघर्ष के विजय गीत गूंज रहे हैं। राम घाट से अयोध्या में प्रवेश करते समय दिख रही रौनक दीपावली सी अनुभूति करवा रही है। यूपी सरकार रामनगरी में त्रेता युगीन वैभव का एहसास करवा रही है। अयोध्या को सजाने में छोटी से छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। रोड चौड़ीकरण के बाद जब नए सिरे से दुकानें सजाई गई हैं तो उसके शटर पर भी राम जय श्री राम और ध्वजा की आकृति बनाई गई है। आपको बता दें कि यहां पर जीर्णोद्वार किए जा रहे मकान दुकान और मंदिरों पर लगाए जाने वाले पत्थरों पर भी जय श्री राम की गूंज है। यानी पूरी अयोध्या इस समय राममय हो गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।